कहाँ खनन नहीं होता है, कहाँ माफिया नहीं है, इन्हीं लोगों के भरोसे तो इन्हों का घर खानदान दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष का चलता है। बालू माफिया है जिस तरह से सरकार पर हावी है, ये एबीपी न्यूज ने खुलासा किया है। इसे समझा जा सकता है कि माफियाओं का कितना बोलबाला है और प्रदेश की सरकार कितनी मजबूर हो गई है। आरा में सोन नदी में सोने की तरह चमकने वाले बालू का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। बालू की मलाई में डुबकी लगाने वाले अफसरों की वर्दी उतरने की नौबत आ गई है, लेकिन बालू माफिया थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में बिहार के आरा से कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अवैध तरीके से बालू खनन कर सैकड़ों नाव और ट्रक से उसकी तस्करी करते लोग दिख रहे हैं। वीडियो भोजपुर जिले के कमालूचक राजपुर दियारा का है, जो ड्रोन कैमरे से शूट किया गया है। वीडियो में सोन नदी में सैकड़ों ट्रक दिखाई दे रहे हैं। कई लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं जो बालू के अवैध कारोबार में संलिप्त है। पुलिस से बेखौफ होकर ये बदमाश दिन रात इसी धंधे में लगे रहते हैं। स्थानीय लोग भी दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि ये तस्कर उनके साथ मारपीट और उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़खानी और जबरदस्ती करते हैं। ड्रोन से लिए गए तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह सैकड़ों की संख्या में ट्रक और ट्रैक्टर में पोकलेन मशीनों से धड़ल्ले से बालू लोड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोन नदी के किनारे अवैध बालू खनन के लिए लगभग 5000 से अधिक ट्रैक्टर और ट्रक लगाए गए हैं। हर महीने 350 करोड़ का गोरख धंधा किया जा रहा है। सरकारी चालान के अनुसार 100 CFT बालू की कीमत 2500 रुपए है। एक ट्रैक्टर में लगभग 1 फीट बालू यानी 100 CFT और एक ट्रक में 300 CFT बालू लोड किया जाना है। एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बालू माफिया किस तरह से सरकार पर हावी है वो वीडियो में दिख रहा है। बिहार में किस तरह से अवैध बालू का खनन हो रहा है और जो बालू माफिया है किस तरह से सरकार पर हावी है, ये एबीपी न्यूज ने खुलासा किया है। हम एबीपी न्यूज को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ऐसी तस्वीर दिखाई है जो सरकार को अगर थोड़ी सी भी लोक लाज शर्म होगी तो सरकार देख करके ये बताएगी कि ये आखिर इतने बालू खनन में इतने गाड़ियों का काफिला वहाँ लगा हुआ है, बालू खनन हो रहा है, बालू माफियाओं का बालू पर कब्जा है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। तो ये एबीपी न्यूज के द्वारा जो तस्वीर ली गई है, ये पता चलता है किस तरह से अवैध खनन बालू का हो रहा है। और आज भी सत्ता के संरक्षण में जो हम लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, बालू खनन हो रहा है और बालू माफियाओं का साम्राज्य कायम है। सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हो रही है, सरकार पंगु बनी हुई है, सरकार कोई कार्रवाई बालू माफियाओं पर नहीं कर पा रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि बालू माफियाओं का कितना बोलबाला है और सरकार कितनी मजबूर है वो साफ पता चल रहा है। ये कोलवर में एक वीडियो एपीके न्यूज के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें हजारों ट्रक नाव से अवैध बालू खनन कोलवर में किया जा रहा है, जबकि इसके लिए कई ASP DSP और थानेदार नप गए, उसके बाद भी यह खेल जारी है। क्या लगता है? इसे समझा जा सकता है कि माफियाओं का कितना बोलबाला है और प्रदेश की सरकार कितनी मजबूर हो गई है। इस बात से स्पष्ट हो गया है कि माफिया का राज सरकार के समानांतर चल रहा है, और एक तरफ प्रदेश की सरकार बालू की बंदोबस्ती अभी की है और वहीं अवैध बालू का खनन लगातार बदस्तूर जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा संरक्षित ये माफियाओं का राज चल रहा है, जो किसी पुलिस प्रशासन के बूते के बाहर के चीज़ हैं, और कई पुलिस प्रशासन इसमें नप गए बावजूद माफियाओं का बोलबाला जारी है। इस बात से समझा जा सकता है कि सरकार के संरक्षण के बगैर ऐसे अवैध बालू का खनन कभी हो नहीं सकता है, ये मानने वाली बात नहीं है। हम बेहद धन्यवाद देते हैं एबीपी न्यूज़ को कि आपने एक खास अवैध खनन के मुद्दे को प्रमुखता से उजागर किया है और इसको अपने पटल पर दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार की लापरवाही और घोर भ्रष्टाचार का जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है, इसे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार के राज में माफिया राज समानांतर एक सरकार चला रही है, जिसका ये प्रमाण है।
आरा से विशाल और पटना से परमानंद सिंह की रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।